नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। यूपी विधान परिषद के चुनावों का परिणाम आ चुका है। ये चुनाव सपा और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसके परिणाम से सपा को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी पांचों सीटें हार गई हैं। वहीं बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर अपना दम दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में हुए विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में सपा विधान परिषद के खंड स्नातक की 3 और शिक्षक कोटे की 2 सीटों पर बुरी तरह से हार हो गई है। वहीं सपा के खिलाफ बीजेपी ने 5 में से सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। परिषद के ये चुनाव 30 जनवरी को हुए थे, जिसकी मतगणना 2 फरवरी को हुई है। इस चुनाव में 63 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे थे। इस चुनाव को सपा और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी की एक तरफा जीत ने सपा को चारों खाने चित कर दिया है। हालांकि बसपा और कांग्रेस ने इस चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके चलते ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गया था। वहीं चुनाव में मिली इस हार के बाद सपा की स्थिति विधान परिषद में काफी कमजोर हो गई है। 100 सदस्यों के सदन में सपा के मात्र 9 सदस्य ही बचे हैं। सदन में नेता विपक्ष बने रहने के लिए सपा को इस चुनाव में कम से कम 1 सीट जीतनी जरूरी थी, लेकिन पार्टी को मिली हार के बाद सपा से नेता विपक्ष की कुर्सी भी छिन गई है। बात अगर सीटों की करें तो बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड, झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कानपुर शिक्षक खंड सीट पर राज बहादुर चंदेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है। बहरहाल सपा इन दिनों आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन चुनावी नतीजों ने सपा को एक बार फिर बता दिया है कि बीजेपी के खिलाफ उसकी ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, जिसके लिए उसे काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।